है पैडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी। पैडागोगी जो है टीचर ओरिएंटेड है, टीचर सेंट्रिक है। यहाँ पर जो टीचर ही सब कुछ होता है, पूरा करिकुलम सिलेबस जो है वो टीचर द्वारा वेल प्लान्ड होता है, उसको तैयार किया जाता है। और ये ठीक ऐसा ही है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया था कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बच्चे को स्पून फीडिंग कराया जाता है, उसे रूट लर्निंग के थ्रू किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाता है। सेकेंड नंबर पे एंड्रागोगी है, एंड्रागोगी जो है अडल्ट लर्निंग है। और अडल्ट लर्निंग में जो है बच्चे जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद वो पढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरा जो ह्यूटागोगी है वो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है वहाँ पर। और इन तीनों को कंबाइन करके जो इसको दी है इस मॉडल्स ऑफ टीचिंग को, वो एस्ट्रोवर्ट हंस एंड क्रिस कैनियन ने दिया है। इसको थोड़ा सा पैडागोगी के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि साइंस ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करेंगे तो पैडागोगी को कहा जाता है साइंस ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा यहाँ पे जो लर्नर है वो डिपेंडेंट होता है टीचर्स के ऊपर, और जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो टीचर के पास होता है। टीचर डिसाइड करता है कि व्हाट टू टीच और हाउ टू टीच, ये सारे जो डिसीजन है वो टीचर खुद लेता है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उसके पास डिसीजन की पावर नहीं होती है। और ये सबसे ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस है। इसके बाद अगर हम बात करें एंड्रागोगी की बात करते हैं, तो एंड्रागोगी जो है बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो उसके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, उस नॉलेज के बेस पे एक नई नॉलेज क्रिएट करता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात की जाती है। लेस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होते हैं जो टीचर्स के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर होता जो स्टूडेंट्स होता है वो खुद से मोटिवेटेड होता है, वो सेल्फ लर्निंग की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होता है एंड्रागोगी के अंदर। और पैडागोगी में मैंने आपको बताया कि डिपेंडेंट होता है, सेल्फ डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टेड बाय एनी टीचर होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्यू लाइफ एक्सपीरियंस पैडागोगी में होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के थ्रू स्टडी यहाँ पे नहीं की जाती है, या फिर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं आगे नॉलेज ली जाती है यहाँ। लेकिन एंड्रागोगी में लाइफ एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस का जो अमाउंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। और इसके बात करेंगे तो प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है एंड्रागोगी, और पैडागोगी जो है वो सब्जेक्ट या कंटेंट सेंट्रिक होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग किस तरीके से, मॉडल्स ऑफ टीचिंग का लेवल ऑफ टीचिंग के साथ जो है रिलेशन है। मेमोरी लेवल जो है हर्बर्ट ने दिया है, जिसको हम पैडागोगी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, या पैडागोगी जहाँ पे जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो पैडागोगी यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने के लिए एंड्रागोगी जो है एंड्रागोगी का यूज़ किया जाता है, मॉडल का यूज़ किया जाता है जिसे, और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है मॉरिसन ने दिया था। देन उसके बाद अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिंग लेवल पे, रिफ्लेक्टिंग लेवल पे जो है वो ह्यूटागोगी के थ्रू हम स्टडी करते हैं।